चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। हिमाचल प्रदेश स्टेडियम के ऊपर यह मैच है धर्मशाला के अंदर, और हर क्रिकेटर का सपना होता है जैसे लॉर्ड्स के अंदर खेलने का, इसी तरह धर्मशाला में सब खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेडियम है ना अलग वाइब्स देता है। वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस स्टेडियम है, खूबसूरत है मैदान। आप देखें इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच कब हुआ था, ये खेला गया था 10 अक्टूबर को, यहाँ पे मैच खेला गया था अभी 6 दिन पहले। मैच था इंग्लैंड और बांग्लादेश का, क्या हुआ था उसके अंदर उसकी बात करते हैं। टॉस जीता बांग्लादेश ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतती है गेंदबाजी का फैसला इसलिए कर रही थी, मॉर्निंग के मैचेस हो रहे थे। अभी तक यहाँ पे 2 मैचेस में वर्ल्ड कप के अंदर, 2 मैच में बांग्लादेश खेली थी, एक बार इंग्लैंड के खिलाफ, और पहली दफा इन्होंने यहाँ पर खेला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जिसके अंदर शाकिब का बहुत अच्छा स्पेल था, मैच जैसे मिराज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। तो आप देखो ये मैच है दोपहर के 2 बजे, तो आपको यहाँ पर इतना कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो स्टेडियम है ऊंचाई के अंदर स्थित है, बॉल यहाँ पर ट्रेवल करती है, चीज आपको ध्यान देनी है। जैसे हम देखते हैं द वंडरर स्टेडियम जोहान्सबर्ग के ऊपर, हाई स्कोरिंग वेन्यू होना चाहिए ये आमतौर पर, और रात का मैच है तो बॉल बैट के ऊपर और अच्छी गति से आएगी स्किड करके, और शायद ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। कंफर्म भी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि धर्मशाला का मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर आएगा या नहीं, क्योंकि इस सीजन के अंदर क्रिकेट यहाँ पे बहुत कम खेली जाती है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट में 364 बनाया था 9 विकेट गवा के, कौन सी टीम ने, इंग्लैंड ने। बांग्लादेश चेस करने आती है 227 में 10 विकेट गवा देती, टारगेट को चेस नहीं कर पाती है। उससे पहले 156 बना अफगानिस्तान ने बनाया था, और फिर बांग्लादेश चेस करने आती है 35 ओवर के अंदर चेस कर जाती है और 6 विकेट से जीत दर्ज करती है। फिर यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस हुए थे, पहले 279 बना 8 विकेट गवा के, टारगेट चेस हो गया करीबन 10 बॉल रहते और टीम 6 विकेट से जीत जाती है। 339 बना मैच क्लोज गया, 274 बना, 296 बना ये मैच भी क्लोज गया, टीम 290 पे सिमट जाती है। तो पिछले 6 मैचेस में बैटिंग फर्स्ट 3 मैच जीते गए और 3 मैचेस यहाँ पे चेस करते जीते गए, बट मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी ही करना चाहिएगी। रीजन आपको मैंने समझाया, ड्यू फैक्टर आ सकता है, बट लेट्स होप क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि कल ड्यू आई है तो आज गारंटी नहीं कि आज भी ड्यू आएगी। कई दफा ऐसा हुआ है, मैंने कई बार मैचेस में देखा है, कमेंटेटर कहते हैं कि कल की रात ड्यू आई थी और जिस दिन मैच है उस दिन ड्यू नहीं आती है, क्योंकि हवा चलती रहती है, हवा ड्यू को कटआउट कर देती है, ओस को जमने नहीं देती और ओस आ ही नहीं पाती। फिर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से सोनी के ऊपर पहली बार खेलने वाली है, ऐतिहासिक मैच है दोनों टीम्स के लिए। जो लास्ट मैच था इंग्लैंड और बांग्लादेश का 10 अक्टूबर को, उस मैच में 12 विकेट पेसर का था, 7 विकेट वापस स्पिनर्स का था। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 6 गेम्स के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 48 विकेट्स निकाला है, पहली बारी में 26, दूसरी बारी के अंदर 22। राइट आर्म पेसर्स 33 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 15 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 36 विकेट है, पहली पारी में 21 है, दूसरी पारी के अंदर 15 है। ऑफ स्पिनर्स का 18, लेग स्पिनर्स का 9, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 9 विकेट है। आपको पता है साउथ अफ्रीका चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, जीतना उनको है, कोई अपसेट हो जाए तो बात अलग है, कुछ भी हो सकता है आजकल क्रिकेट के अंदर, बट साउथ अफ्रीका हाईली डोमिनेटेड टीम है, इनका फॉर्म बहुत अच्छा है। तो आप उम्मीद मत करिए इंग्लैंड की तरह कि इनको नेदरलैंड्स हरा जाएगी जैसे अफगानिस्तान हरा गई थी इंग्लैंड को, ऐसा कुछ नहीं होगा इस गेम के अंदर। ये देखें आप पिच ऐसी दिखती है, बेहतरीन पिच है ये लास्ट मैच की पिच की फोटो है जब 10 तारीख को मैच हुआ था। ये मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ये देखो आप ये वाली जो पिच दिख रही है, ये थी जब यहाँ पे पहली बार अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ था। बाउंस कंपैरिजन देख लो, धर्मशाला के ऊपर बॉल अच्छा खासा बाउंस लेती, बैटर्स को मजा आता है, स्पेशली फॉरेन बैटर्स को जैसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बहुत मजा आएगा, क्योंकि केप टाउन देख लो साउथ अफ्रीका के जो विकेट्स होते हैं डरबन वगैरह, वहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका में, इस विकेट में भी बाउंस आप देखें एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज। और जो आउटफील्ड है हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे इस आउटफील्ड के ऊपर, पैची आउटफील्ड है और यहाँ पे डाइव मारना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि ग्रास यहाँ पे एकदम क्लीन लेयर में नहीं है, आधी ग्रास नहीं है, कहीं पे ज़्यादा मोटी ग्रास है कहीं में छोटी ग्रास है, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे, और बॉल ट्रैवल नहीं करती यहाँ पे, ट्रैवल इन द सेंस ग्राउंड से ट्रैवल नहीं कर पाती, आउटफील्ड स्लो है यहाँ की। ये देखो आप डायमेंशन 61-68 स्क्वायर, सामने 75। स्विंग की बात करते हैं तो आप देखो एवरेज स्विंग पावर प्ले 1, मतलब पूरे 10 ओवर के अंदर स्विंग कहाँ पे कितना देखने को मिला है, धर्मशाला पे 0.6 डिग्री। और कैच एफिशिएंसी साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी फील्डिंग करती है। नेदरलैंड्स की बात करें तो नेदरलैंड्स कहाँ पे है इसमें, येरी भाई साउथ अफ्रीका से अच्छा नाम है इनका, साउथ अफ्रीका आई मीन ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है कैच एफिशिएंसी के मामले में। एवरेज टर्न और धर्मशाला 1.9 डिग्री टर्न देखने को मिलता है आपको, और पहले 5 ओवर के अंदर स्विंग धर्मशाला के ऊपर आप देखें 1.6 डिग्री है, सबसे ज़्यादा स्विंग धर्मशाला पर देखने को मिला अभी तक
एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज, पहले 5 ओवर के अंदर, बस पहले 5 ओवर में यहाँ पे बॉल स्विंग होती है, उसके बाद स्विंग नहीं होती है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे एवरेज पूरे 10 ओवर के अंदर कितना स्विंग हुआ है धर्मशाला पे, 0.6। ये स्टेडियम का व्यू देखिए आप, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है ये। स्पेशल पिच रिपोर्टर फ्रॉम धर्मशाला, कैसी लगी कमेंट करके बताना। फाइनल पिचेस की फोटोज मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करके दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में।